देखिए भगवान बिरसा मुंडा जी, उनकी जन्म जयंती है और उसमें जनजातीय गौरव दिवस के रूप में उसको मनाया जा रहा है। देश के प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी बिहार से जमुई से एक बड़े कार्यक्रम को संबोधित करेंगे और उसमें पूरे देश भर में उस कार्यक्रम को लाइव सुनाया जाएगा, सभी लोग लाइव उसे देखेंगे। विशेषकर एसटी मोर्चा के हमारे जो कार्यकर्ता हैं या एसटी समाज के जो लोग हैं उनके साथ जुड़कर सभी समाज के लोग ये जनजातीय गौरव दिवस को मनाएंगे और उसी के लिए मैं दो दिन मेरा यहाँ आना हुआ है। हाँ, निश्चित रूप से किसान मोर्चे के राष्ट्रीय अध्यक्ष के नाते हमारे प्रदेश अध्यक्ष संजीव देष्टा जी ने अपने सभी साथी कार्यकर्ताओं के साथ एक बैठक रखी है, किसानों के विषयों पर चर्चा करेंगे। केंद्र सरकार की योजनाएँ जो हमारी चल रही हैं, जो मोदी जी ने दी हैं, उनका क्रियान्वयन हिमाचल में किस तरह चल रहा है उसकी भी समीक्षा करेंगे, बातचीत करेंगे और जो किसानों के मुद्दे होंगे उनको ऊपर ले जाकर माननीय प्रधानमंत्री जी को बताने का काम भी करेंगे। देखिए सच्चाई तो ये है कि जब से मोदी जी देश के प्रधानमंत्री बने हैं 2014 से लेकर अब तक, किसानों के लिए ऐतिहासिक फैसले किए गए हैं। पार्लियामेंट में भी हमने पिछले दिनों जब पार्लियामेंट चल रहा था तो कांग्रेस को ये चैलेंज करके कहा था कि कांग्रेस के शासनकाल में कोई भी दो काम कांग्रेस गिनाए जो उन्होंने केंद्र में रहते हुए किसानों के लिए, पूरे देशभर के किसानों के लिए किए हों। कांग्रेस का कोई भी सांसद उसका जवाब नहीं दे पाया था। तो मोदी जी के नेतृत्व में निश्चित रूप से किसानों के लिए दिन प्रतिदिन नए नए फैसले किए जा रहे हैं और आने वाले समय में भी किसानों के हित के लिए भी जो भी निर्णय होगा वो माननीय मोदी जी लेंगे।